हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त और होस्ट गोल्डन कुमार आपके अपने इस चैनल IS एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं जनरल स्टडीज़ के सारे वीडियो एक एक सब्जेक्ट की मैं आपको डेली अपलोड करता रहूँगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें मेरा पूरा सहयोग दें और हर एक वीडियो को बेहद ही डिटेल में पूरे प्रीलिम्स और मेंस के स्तर पे आके इसको आप देखने की कोशिश भी करें। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा है कि मैं सारे वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने दो सीरीज को शुरू किया है। पहला सीरीज है हिस्ट्री, दूसरा सीरीज है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में मैंने मैप और जो फिजिकल वर्ल्ड जियोग्राफी है उसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप उसे जाके देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और दूसरा जो सेशन है मैंने हिस्ट्री की मैंने स्टार्ट कर दिया है। हिस्ट्री में अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में हैं, और अभी गुप्त काल चल रहा है, तो आप उसे भी मेरे चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। और ये डेली का डेली हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो वीडियो है डेली के डेली ये अपलोड होती है, आपको डेली के डेली दो अपडेट्स ज़रूर ही आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आज अपने इस हिस्ट्री सॉरी ज्योग्राफी के सेशन में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को देख रहे हैं, और इसमें दो तीन टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अभी जो हमारा थर्ड टॉपिक जो चल रहा है, आज थर्ड टॉपिक की मे बी लास्ट क्लास हो जाएगी, जिसका नाम है भारत का मैदान। भारत का मैदान, ठीक है। तो फिर आज इसे हम लोग देख लेते हैं एक ओवरव्यू कि हम लोग इसमें करेंगे क्या। तो भारत के मैदान में सबसे पहले हम देखेंगे, इसको जानने से पहले, भारत का मैदान देखने से पहले हम लोग इसी के अंतर्गत हम लोग डेल्टा देखेंगे। डेल्टा किसे कहते हैं, इसके प्रकार। उसके बाद से सिंध नदी का मैदान, सिंध मैदान, पंजाब का मैदान, हरियाणा का मैदान, सब इसी में आ जाएगा। नंबर थर्ड होगा राजस्थान। राजस्थान के मैदान में मरुस्थलीय क्षेत्र भी आ जाएंगे। और गंगा का मैदान, और अंतिम और लास्ट ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो दोस्तों आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, और इसमें हम नदियों के संदर्भ में अभी बात नहीं करेंगे। कल से हम लोग नदियों के लिए एक स्पेशल अपवाह जो तंत्र होता है पूरी, एक एक नदियों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि आज मैदान हम लोग देख लेते हैं, और इन्हीं मैदानों से जब हम लोग अपवाह तंत्र शुरू करेंगे, कल से ही मे भी शुरू हो जाएगा वो, तो हम लोग एक एक नदियों को देखते हुए चलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग भारत के मैदान की तरफ फोकस कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, अब यहाँ हम लोग मैदान का स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है। चूँकि मैदानी जो क्षेत्र है, मैदानी चीज़ों को जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म का हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है, जो जनरली लोगों को पता नहीं होता है। और इसका जो संबंध है मैदानी भागों से है, इसीलिए हमें इसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो पहला आप लोग हेडिंग डालिए, डेल्टा। डेल्टा ठीक है, तो यही है हमारा डेल्टा का, देख लेते हैं डेल्टा क्या है, ठीक है। और दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो नहीं यहाँ पे तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। डेल्टा किसे कहते हैं, इसके निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं, और डेल्टा के प्रकार। तो बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए, डेल्टा यहाँ पे होता क्या है कि कहा जा रहा है कि नदियाँ जो होती है, देखिए जो भी नदियाँ ये बह रही है, अब नदियों की जो बहने की जो अवस्थिति है कई जगहों पे होती है, लेकिन डेल्टा बनने के लिए सबसे बड़ा कंडीशन होता है इसका मैदानी भाग, क्योंकि चट्टानों में तो अपरदन करेगा नहीं, कटाव करेगा ही नहीं। तो इसीलिए डेल्टा बनाने के लिए
बड़ा मैदानी भाग का होना जरूरी है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है, जो इसकी नदी की जो बहने की जो प्रक्रिया है, क्या होनी चाहिए, काफ़ी लंबी होनी चाहिए, लंबी दूरी तक तय करें। और ये जितना कचरा हम लोग बोल सकते हैं अवसाद के रूप में ले जाएगा, और ले जा के नदियों के मुहानों के आसपास, या फिर नदियों के मुहाने के आसपास, ये ज़रूरी नहीं है, ये पीछे भी क्या कर सकता है, अवसादों को छोड़ देगा। और आपको पता ही है कि इन नदियों में बहुत सारे उर्वरा शक्ति की मात्रा अधिक होती है, और इन्हीं पे स्थित जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है अवसादों के रूप में, ये क्या है, एक तरीके से इनकी उर्वरा शक्ति बहुत अधिक होती है, और यह जब खेतों में जाते हैं तो काफ़ी उपजाऊपन की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। तो अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि नदी के मुहाने के समीप अवसादों के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अवसादों के निक्षेपण का मतलब क्या है यहाँ पे, अब नदियों की लंबाई जितनी अधिक रहेगी, अवसादों को अधिक लाएगी और किनारे पे आके कहीं ना कहीं उन अवसादों का कटाव करेगी, और कटाव करने के बाद पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि नदी में मिल नहीं जाती है, सॉरी समुद्र में नहीं मिल जाती है, क्योंकि समुद्र इतनी आसानी से इंटर करने इन्हें नहीं देता है। और यही कारण है कि आसपास, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि अगर ये बहुत बड़ा समुद्र है और यहाँ से अगर नदियाँ मिल रही है, तो इनकी गति क्या होती है, अधिक होती है। और इनकी जो गति यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आके इस प्रकार के जितनी लंबी नदियाँ रहेगी, इस प्रकार से अपना डेल्टा बनाते रहती है। लेकिन इनमें कंडीशन है कि इसमें अवसादों का होना क्या है, बहुत ज़रूरी है, अवसादों का निक्षेपण होना बहुत ज़रूरी है। तो यही है डेल्टा किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं। तो पहला इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है, नदी में अवसादों की पर्याप्त मात्रा पर्वतीय क्षेत्र में। आप लोग पता ही हैं कि जो भी नदियाँ निकलती हैं कहाँ से निकलती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हो, चाहे वो हिमालय की नदियाँ हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा की, ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत की भी हो सकता है और हिमालय की भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि नदी की लंबाई, देखिए अवसादों की पर्याप्त मात्रा के लिए क्या चाहिए, नदी की लंबाई चाहिए। नदी की लंबाई जितनी अधिक रहेगी, गति एवं जल का आयतन अधिक होने पर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपरदन में क्या हो जा रहा है, वृद्धि होगा, क्यों नहीं होगा। अब इतनी दूर से नदियाँ चल के आ रही हैं और बहुत सारे अवसादों का क्या कर रहा है, निक्षेपण कर रहा है, अपने साथ बहा के ला रहा है। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि अवसादों की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जब अवसादों की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, तो नदियाँ ज्यों ज्यों कहाँ आ रही है, आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि ये क्या है, पहाड़ी भाग है, और नदियाँ यहाँ से मान लीजिए कि इसे उतर रही है, उतर रही है, तो पहाड़ों से होते नीचे कहाँ आ रही है, मंद ढलानों की तरह बढ़ रही है, तब जाकर मैदानों में इंटर करती है। यही कहा जा रहा है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, ढाल तीव्र होना चाहिए और असंगठित अवसादी चट्टान से निर्मित क्या होना चाहिए, संरचना होनी चाहिए। अब जो भी है यहाँ पे अवसादी चट्टान, यहाँ पे इनको काट के, ठीक है, कहाँ आएगा, लाएगा है, नीचे लाएगा, नीचे लाएगा, यहाँ लगा दिया ढेर, कूड़ा कचरा का ढेर लिया, यहाँ लगा लिया, ठीक है। इनकी कई प्रकार की आकृति भी बनती है, जो हम लोग डेल्टा के प्रकार में देखेंगे। और लाते लाते अब इसकी लंबाई जितनी अधिक होगी, ठीक है, गति जितनी अधिक होगी, जल का आयतन जितना अधिक होगा, यहाँ पे डेल्टा के निर्माण के लिए जो आवश्यक कंडीशन है, और क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, अधिक मात्रा में बनने लगेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डेल्टा के प्रकार। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेल्टा के प्रकार में। अब तो हमने देख लिया कि डेल्टा बनने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, डेल्टा बनने के लिए जो कंडीशन हमारा क्या था,
नदियों की लंबाई क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए, और ये नदियाँ किन मार्गों से गुजरना चाहिए। इनमें मैदानी भाग हो, मैदानी भाग रहेगा तभी जाके तो क्या कर पाएगा, अपरदन कर पाएगा, कटाव कर पाएगा। और अगर ये पहाड़ों से निकल रही है तो पहाड़ों के ढलानों को काटते हुए आए, तब जाके ज्यों ज्यों कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और ये अपना अपवाह तंत्र बनाते हुए कई जगह इन अवसादों को क्या करेगा, छोड़ते जाएगा जगह जगह। कुछ इस तरह की संरचना बन जाती है जो बेहद ही क्या होती है, किसानों के लिए उपजाऊ सिद्ध होती है। तो अब ये यही हमारा क्षेत्र है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आकृति कैसे बना रहा है डेल्टा के प्रकार में। तो डेल्टा के प्रकार में यहाँ मैंने चार चीज़ों को शामिल किया हुआ है। पहला है पंजाकार डेल्टा, बर्ड्स फ्लूट डेल्टा भी इसे बोल देते हैं। नेक्स्ट है चापाकार डेल्टा, एर्गवेट डेल्टा, ज्वारदानमुखी डेल्टा इसे स्टेरुइन डेल्टा बोलते हैं, और नेक्स्ट है दंताकार डेल्टा, एस्टिमेट डेल्टा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो बारी बारी सब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो पहला यहाँ पे कहा आ रहा है कि यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, दोनों में आप लोग अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको मिसिसिपी रिवर का जो डेल्टाई क्षेत्र है, आपको ध्यान होना चाहिए कि मिसिसिपी रिवर कहाँ है। अबे मिसिसिपी नदी को आप लोग देखेंगे तो कहाँ पे आएगा, इसका जो लोकेशन है कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में है। ठीक है, जो कहाँ पे आके गिर जाती है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में आके क्या होती है, गिर जाती है। तो वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो गिरने से पहले क्या आता है कि बहुत लंबी मिसिसिपी मिसौरी, आपको याद होगा मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, मिसौरी जो इसकी क्या है, सहायक नदी है, यहीं पे मिसिसिपी से आके मिल जाती है, और उसका डेल्टा का आकार हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। तो इसमें होता क्या है, कहा जा रहा है कि अवसादों का आकार इसमें क्या होता है, छोटा होता है। जो भी नदियाँ यहाँ पे बह रही है, देखिए जो भी नदियाँ यहाँ पे बह रही है, अब आसपास का जो भी ये भाग है दिखाई दे रहा है आपको, जो भी ये भाग सपोज आप ले लीजिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अधिक वर्षा होती है, जितना अधिक वर्षा होगा नदी का जल स्तर उतना बढ़ जाएगा, इसकी तीव्रता उतनी बढ़ जाएगी, इसकी जल का आयतन उतना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये सब बढ़ने के बाद जो कटाव करने की जो प्रक्रिया है, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। और यही कारण है कि आसपास के जो भी कटाव करता है, आसपास के क्षेत्रों का ये जो भी कटाव कर रहा है, कटाव करने के बाद वैसे जो कचरे हैं, जो मिट्टियाँ हैं उन पे मिलती हैं, उनका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और छोटा होने के बाद ये आसानी से नदियों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की हमें संरचना क्या होती है, देखने के लिए मिलती है। देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, बर्ड्स फ्लू, एक पक्षी का जो पंजा होता है उसी प्रकार का आपको क्या हो रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला, तो यही है आपका पंजा कार डेल्टा, जिसको हम लोग बर्ड्स फ्लू डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, बर्ड्स फ्लूट, ठीक है, पैर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है इसकी देखिए अब संरचना है, गंगा नील रिवर आपको पता ही होगा। ठीक है, नील विश्व की सबसे बड़ी नदी है और गंगा भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैदानी नदियों में से एक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस तरह की आकृति, और यह आकृति क्या कहला रहा है, चापाकार, चपटा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, चपटा दिखाई दे रहा है, इसके वजह से इसे चापाकार बोलते हैं। और इसका कारण क्या है, कारण यही है कि देखिए अब जो भी इधर से गंगा नदी आ रहा है, देखिए धीरे 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 कहाँ आता है, मैदानों की तरफ आता है, और तब जाके आपको बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ मिलके यहाँ पे गिर जाता है, और एक बहुत ही बड़ा बेसिन का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में क्या करता है, बनाता है फिर वहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि गंगा जब उच्च ढलानों से निकलती हुई आती है, तो बीच में यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में, ऊपरी भाग, मध्यम भाग, निचली भाग, इस प्रकार की गंगा की अवस्थिति हमें दिखाई देती है। और यहाँ पे
जो कहा जा रहा है कि वर्षा, देखिए यहाँ पे अपेक्षाकृत वर्षा कहाँ होगी, नीचे वाले क्षेत्रों में होगी। ज्यों ज्यों हम लोग ऊपर जाएंगे, देखिए ये जो इलाका है ऊपर कहाँ आ जाएगा, दिल्ली वाला इलाका हो जाएगा, लखनऊ वाला इलाका हो जाएगा। तो इधर आप जाएंगे तो इधर वर्षा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। नीचे आएंगे तो वर्षा में क्या आ जाएगी, अधिकता आ जाएगी। लेकिन वही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊपर से अब यह कटाव क्या करते आ रहा है, ऊपर से कटाव करते आ रहा है और इधर वर्षा की मात्रा क्या है आपको, कम है। अब ऊपर से कटाव करते आ रहा है, बड़े बड़े अवसाद क्या आ रहे हैं, नदियों में बह के आ रहे हैं। और इस प्रकार से आने से ज्यों ज्यों क्या आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आ जाएंगे आपको। और नीचे आने के बाद इधर पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो बे ऑफ बंगाल में है, मिल नहीं पाते हैं और किनारे किनारे इसके आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार के संरचना आपको क्या होगा, दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे नदी की जो धाराओं की जो यहाँ पे वेव से तरंग है क्या होता, बहुत तेज होता है और इतनी आसानी से इसे क्या कर पाता है, समाहित नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि यह कई भागों में कई प्रकार की संरचना दिखाई देती है। और यही क्षेत्र क्या है, डेल्टाई क्षेत्र है, किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और इन्हीं डेल्टाई क्षेत्रों में क्या है, हमारा सुंदरवन डेल्टा भी है, ठीक है। बंगाल में सदाबहार वन, मैंग्रोव वनस्पति भी वहाँ पे पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख ले रहे हैं कि डेल्टा का रोल यहाँ पे हमें दिखाई दे ही रहा है। तो इसमें क्या होगा, अवसाद क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऊपर से वर्षा की मात्रा कम है, अब ज्यों ज्यों नीचे आएगा पूरी तरीके से अवसाद उसमें घुल मिल नहीं जाते हैं। और यही कारण है कि देखिए गंगा और नील रिवर में इतना बड़ा जो इसका क्या है, डेल्टाई क्षेत्र है, इसी प्रकार के संरचना बनाती हैं। आपको पता होगा गंगा नील, सॉरी गंगा नदी की भी क्या है, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। नील नदी की भी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। तो इन्हीं सहायक नदियों में मिलते हुए कई प्रकार की डेल्टाओं का निर्माण करते हुए क्या करते हैं, नदी भी मिल जाते हैं। फिर ये मुख्य जो नदी है जाके समुद्र में मिल जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर इसकी हम लोग बात करेंगे, देखिए ज्वारदनमुखी डेल्टा, ठीक है, यही है ज्वारदनमुखी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, जो गिरती है ना इधर भारत के पश्चिमी तट पे जो नदियाँ गिरती है, कहाँ गिरती है बताइए, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, खंभात की खाड़ी में गिरती है। और खंभात की खाड़ी में जब गिरने से पहले इनकी एक तो कहा जा रहा है कि लंबाई क्या होती है, कम होती है। इधर विंध्यन रेंज, इधर सतपुड़ा रेंज, ठीक है, यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा निकल रही है, यहीं फिर इधर सतपुड़ा के रेंज से कौन निकल रहा है, ताप्ती निकल रहा है। और इनकी नदियों की लंबाई बहुत अधिक नहीं होती है, महाराष्ट्र एमपी, ठीक है, यही सब है आपका क्षेत्र, इसका कुछ क्षेत्र गुजरात का भी आ जाएगा। तो लंबा अपवाह मार्ग बना नहीं पाता है। और यहाँ की जो संरचना आप देखेंगे ना, संरचना क्या है, चट्टानी संरचना है, और इन चट्टानों को आसानी से कटाव नहीं कर पाती है। तो इसका जो एक तरीके से कहेंगे कि अवसादों की स्थिति ऐसे नदियों में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और अवसादों की स्थिति कम होती है तो यहाँ पे अब कुछ पानी में जो घुलनशील तत्व है वे बहुत अधिक घुल नहीं पाते हैं, छोटे मोटे रहते हैं, ठीक है। और वह आसानी से जाके नदियों में जो भी है, इधर खंभात की खाड़ी, इधर अरेबियन सी में जाकर क्या करते हैं, आसानी से इसमें मिल जाते हैं बिना कोई डेल्टा बनाए हुए, ठीक है। तो ज्वारदनमुखी का डेल्टा का ये एग्जाम्पल था। और नेक्स्ट यहाँ पे है आपका दिया हुआ था लास्ट दंताकार डेल्टा। देखिए दंताकार डेल्टा की जो स्थिति अगर हम लोग देखेंगे तो दांत के आकार कैसे जाएगा, ठीक है, इस प्रकार की संरचना है जो किनारे जाके, समुद्रों के किनारे जाके क्या हो जाती है, थोड़ी सी इसकी स्थिति फैल जाती है, ठीक है। लेकिन वही देखेंगे अगर कृषि कार्यों के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट इन दोनों को नहीं माना जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है दंताकार और ज्वारदन मुखी डेल्टा को लिए। लेकिन ये कृषि कार्यों के लिए जो भी है, यहाँ पे बर्ड्स फ्लू, ठीक है, और दूसरा क्या है, चापाकार, ठीक है, बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो बारी बारी सब इन दोनों का क्या क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है पंजाकार को, मैंने डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि मुख्य नदी तटीय मैदानों से
अधिक दूरी तय करने के बाद, देखिए क्या कंडीशन है, कहा जा रहा है कि अधिक दूरी तय करने के बाद अंततः क्या करता है, अवसादों का निक्षेपण करता है, मैंने बताया हुआ था। और इसका आकार चिड़िया के पंजों के समान क्या होता है, बन जब बन जाता है। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के अवसादों का क्या होता है, निक्षेपण होता है। पानी की मात्रा अधिक होती है, बहाव तीव्र होता है, तो आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकता है, काट सकता है। आपने देखा होगा कि बाढ़ अगर आएगी, तो बाढ़ अगर धीमी आएगी तो किनारे किनारे भागों को काट के क्या करेगी, बड़ी बड़ी अवसादों को छोड़ देगी। लेकिन अगर बाढ़ की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा अधिक है, तो जो भी आप देखेंगे, अगर ऊंचाई वाली भूमि रहेगी, उसको पूरी तरीके से क्या करती हो, काट के अपने जल में मिला लेती है। तो ऐसे में उसकी अवसादों की संरचना क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जहाँ पानी अधिक है और जहाँ पानी की मात्रा कम है, वहाँ अवसाद क्या आप बड़े बड़े दिखाई देंगे। इसे भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो तो आप लोग अपेक्षाकृत कम वर्षा लिख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने अधिक वर्षा की जो मैंने बात की, कहाँ की बात की है मैंने, डेल्टाई जो ब्रह्मपुत्र, सॉरी हाँ, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है, उसकी मैंने बात की है। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं, अपेक्षाकृत कम वर्षा। अब नेक्स्ट जो हमारा है, भारत का विशाल मैदान। अब आपने डेल्टा को देख लिया, अब बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि ये जो भारत का विशाल मैदान बन रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि चाहे सिंध का मैदान हो, चाहे गंगा का मैदान हो, चाहे ब्रह्मपुत्र का मैदान हो, या फिर राजस्थान का मैदान है जो लूनी नदी वाला क्षेत्र है, कहीं ना कहीं यह क्या करता है, डेल्टाई बनाते हुए, बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करते हुए, तब जाके विशाल समुद्रों में, ठीक है, समाहित हो जाता है। तो आपने डेल्टा देख लिया। अब हम लोग बारी बारी से इन्हीं भारत के मैदानों को, एक एक चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं फिर। तो यहाँ पहला जो दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि किसका मैदान है, सिंध का मैदान। अब सिंध का मैदान देखने के लिए देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सिंधु रिवर है, इंडस रिवर है, इंडस रिवर की ही, ठीक है, जो भी सहायक नदियाँ हैं, चाहे झेलम, चेनाब, रबी, ब्यास और सतलज, ठीक है, ये जो पांच पंजाब की नदियाँ हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, सब कहाँ से गुजरती है, पंजाब के होते हुए गुजरती है। झेलम जम्मू कश्मीर से होते हुए, ठीक है, यहाँ कहाँ से निकल रहा है, कैलाश पर्वत वाले क्षेत्रों से निकलता है। और कैलाश पर्वत वाले क्षेत्रों से निकलते हुए देखिए कितनी बड़ी नदी है, इसकी जो अधिकतर भाग है कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में बहुत बड़ा डेल्टा क्षेत्र का अरेबियन सी में गिरने से पहले क्या करता है, निर्माण करता है। और इसी की जो सहायक नदियाँ हैं भारत की, कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जैसे झेलम, ठीक है, अभी मैंने चर्चा किया ही है। और यही नदियाँ जब क्या होती है, मिलती है, देखिए यहाँ पे, तभी हमने बताया हुआ था, डेल्टा की चर्चा किया था कि कैसे बनाती है। तो देखिए अब जो झेलम है किससे जाके मिल रहा है, चेनाब से मिल रहा है, मिल रहा है। अब झेलम जब चेनाब से यहाँ पे आके मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। मैंने एक साइड दिखाया हुआ है आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। एक्चुअली में क्या होगा, मिलने से पहले इस टाइप की स्टेप क्या कर रहा है, आकृति बना रहा है। तो ये क्या है, डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है। और इस डेल्टाई क्षेत्र को हम लोग देखिए, दो नदियों के बीच का क्या है, क्षेत्र है, यहाँ पे दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, इसीलिए हम लोग इसको नाम क्या देते हैं, दोआब। क्या नाम देते हैं, दोआब, जिसका मतलब है दो, दो का मतलब दो ही होता है, टू, और आब का मतलब होता है नदियाँ। नदियों का संबंध किससे है, पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच का क्या है, भाग है, ठीक है। तो इसीलिए पंजाब में देखिए आप,
और आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहीं झेलम और चेनाब के मिलने से पहले यहाँ पे एक दुआब बन रहा है, जिस दुआब का नाम क्या है, चाज दुआब। ठीक है, सी से आप ध्यान रखिएगा, सी एच च, चाज दुआब। फिर उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि झेलम और चेनाब मिल के कहाँ जा रहा है, आपको मिल रहा है यहाँ पे सिंध, ठीक है, इंडस नदी पे, सिंधु नदी पे मिल रहा है। और मिलने से पहले भी क्या कर रहा है यहाँ पे, कुछ डेल्टाई क्षेत्र बना रहा है, बना रहा है। तो इसी प्रकार से दो दो नदियाँ यहाँ मिल मिल के, देखिए चेनाब और यहाँ पे कौन है, रावी नदी है, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, डेल्टाई क्षेत्र बनाता है। यहाँ पे रचना दबाव है, यहाँ पे सिंध सागर दबाव है, और यहाँ पे बारी दबाव है, और यहाँ पे बीस्ट दुआब है। ठीक है, तो यहाँ पंजाब के नदियों के द्वारा निर्मित पांच प्रकार के दुआब क्या कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और इसी वजह से देखिए यहाँ पे पंजाब पंज जोड़ आप नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, जिसका मतलब क्या है, पांच नदियों का जो पंजाब का जो नाम पड़ा है, पांच नदियों का भी क्या है, सूचक है। अब खुद सोचिए, पंजाब का पूरा जो क्षेत्र है इतने बड़े क्या है, डेल्टाई भागों से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे कृषि कार्यों के लिए क्या है, पूरी तरीके से अनुकूल दशाएं हैं। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या है कि ये आप जो देख रहे हैं, इसमें से बारी और बिष्ट को देखेंगे तो क्या है, पंजाब के भागों में है। बाकी आप देखेंगे रचना दुआब, चाज दुआब, सिंध सागर दुआब, ये सब कहाँ मिल जाती है, ये पाकिस्तान के भागों में क्या होती है, जाके बनाती है। ठीक है, तो पंजाब से होते जस्ट कहाँ मिल जाती है, सिंध सागर में, ठीक है, सिंध सागर सॉरी सिंधु नदी में जाके यहाँ पे मिल जाती है। और इसी के वजह से, लेकिन मिल जा कहाँ रहा है, पंजाब से होके जा रहा है। अब जो भी यहाँ नदियाँ हैं, इनसे कृषि कार्य क्या होता है, लिया ही लिया जाता है। देखिए यहाँ पे राक्षस ताल है, वहीं है राक्षस ताल, जिसमें बोला जाता है कि रावण ने क्या किया था, यहीं पे तपस्या किया था। खैर जो भी हो, तो कैलाश पर्वत से कौन निकला, सिंध सागर, ठीक है, सिंधु नदी, और राक्षस ताल से यहाँ पे राक्षस ताल ही बोलते हैं, यहाँ से कौन निकला, सतलज नदी। ठीक है, और निकलने के बाद देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, झेलम और चेनाब के बीच क्या बन रहा है, चाज दुआब बन रहा है। उसके बाद चेनाब और सिंधु नदी के बीच कौन सा दुआब बन रहा है, सिंध सागर दुआब बन रहा है। उसके बाद से चेनाब और रवि के बीच कौन सा दुआब बन रहा है, रचना दुआब बन रहा है। और यहाँ रवि, यहाँ पे रवि दिखाई दे रहा है आपको, और नीचे कौन सा है आपको, ब्यास है। ठीक है, इसके बीच कौन सा दुआब बन रहा है, बारी दुआब बन रहा है। और ब्यास और सतलज के बीच कौन सा दुआब बन रहा है, बिष्ट दुआब बन रहा है। और यही जो दोनों दुआब है, किसके क्षेत्र में है, भारत के क्षेत्रों में है। यही सारी चीज़ें हैं। अब यही कारण है ना, देखिए पंजाब में जो हम लोग हरित क्रांति की जो बात करते हैं, जो फसलों के लिए प्रोडक्टिविटी क्या करना है, उसकी बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं देखिए आप, जियोग्राफी ही उसका क्या है, मेन रीज़न है। वहाँ की भौगोलिक अवस्थिति ही कुछ ऐसी है कि पांच पांच नदियों से घिरा हुआ क्या है वो क्षेत्र है। और पांच पांच नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र होने के कारण वहाँ कृषि कार्यों के लिए बिल्कुल ही अनुकूल दशाएँ क्या होती है, उत्पत्ति हुई है। और फसलों के लिए, खासकर कृषि कार्यों के लिए, हमें पानी की बहुत अधिक मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहाँ कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आई हैं उस हरित क्रांति से, क्योंकि इसमें अधिकतर मात्रा में क्या किया गया है, अब इन नदियों में, ठीक है, इन नदियों में इन आसपास के क्षेत्रों की मिट्टियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है। क्योंकि अब पानी तो है, अब उस पानी में जो भी हमारा जैविक उर्वरा को बढ़ाने के लिए मिट्टियों में रासायनिक पदार्थों का अधिक क्या किया गया है, छिड़काव किया गया है। और इतना बेहतरीन डेल्टाई भाग होने के वजह से भी अब कहा जा रहा है कि राजस्थान की जो मिट्टी, सॉरी पंजाब की जो यहाँ मिट्टियाँ हैं, कीटनाशक से क्या हो गई है, युक्त हो गई है। ठीक है ना, कीट यहाँ पे, कीटनाशक नहीं कहेंगे, नाश नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से बेकार होते जा रही है, अधिक जो रासायनिक पदार्थों के छिड़काव की वजह से। ठीक है, तो यही है, अब हरित क्रांति है, तो कुछ उसके अगर सही से यूज़ किया जाए तो कुछ उसके पॉजिटिव टर्म में भी है, और यहाँ पे अगर उसका मिसयूज किया जाएगा तो
तो निगेटिव टर्म भी आएगा ही आएगा। और यही कारण है कि पंजाब में, ठीक है, अब लॉन्ग टर्म है ना, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आज अगर आप कोई रासायनिक पदार्थ आप खेतों में छिड़काव करते हैं तो आपको 2 साल बाद दिखाई देगा, ठीक है। और हरित क्रांति के आने के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद, इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से क्या हो रहा है वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बारी डिक, ठीक है, बा बा बा, ठीक है। बारी और बिष्ट दुआब कहाँ पे है, भारत के क्षेत्रों में है, और बाकी जो 3 दुआब जो बच रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, बस है ब्यास, ठीक है, बस है बिष्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा तो आसानी से आप लोग इसको करके जाइएगा, ठीक है। बारी देखिए क्या बना है, बारी, ब से ब्यास, र से रवि, बिष्ट देखिए, बी से ब्यास, स से सतलज, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। र से क्या है, रवि है, च से क्या है, चेनाब है। उसी तरीके से आप देखिए इन यहाँ पे बन रहा है ना आपको चाज दुआब, च से क्या है, चेनाब है, और ज से यहाँ पे जेलम करके दिया गया है, और यहाँ पे भी वही है, स से क्या है, सिंधु नदी है, ठीक है, स से सिंधु है ना यहाँ पे, और यहाँ पे जय, और क्या कर रहे हो, सी, जो सी जे है, ठीक है, सी जे है ना, मतलब कुछ ध ज टाइप का प्रोनाउंसिएटर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है यहाँ पे, थोड़ा सा इसे टर्म को यूज कीजिए आप लोग, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने तभी चर्चा किया हुआ था हरित कार्यक्रम के संदर्भ में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हरित कार्यक्रम क्या हुआ है, सबसे अधिक यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ है, सफल हुआ है, और सफल होने का कारण आप लोगों के सामने है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे कृषि की उत्पादकता, फसल की गहनता क्या हो गई है, अधिक हो गई है, और इसी की वजह से हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र है, एक विकसित क्षेत्रों में क्या होता है, गिनती होती है, किसानों की स्थिति बहुत तक वहाँ क्या है, ठीक है। और कहा जा रहा है यहाँ पे नहर सिंचाई के कारण जल भराव भी रहता है, और रासायनिक उर्वरक की मात्रा हुई है, और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होने की वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे मृदा प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है, और मृदा प्रदूषण होगा तो यह क्या करेगा, कृषि की उत्पादक पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जो हम जिस चीज़ के लिए हम उसका अधिक उपयोग कर रहे हैं उस समय तो हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद उसे हमें नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और यही अवस्थिति हमें पंजाब और हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों पे दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा जो अपरदन होता है इस क्षेत्र में, उसको क्या बोल देते हैं, चौस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौस बोलते हैं। पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा जो भी है, यहाँ पे पर्वतों से जो नदियाँ निकल रही हैं, आ रही है, जैसे हम लोगों ने देखा सतलज नदी राक्षस ताल से सीधे होते कहाँ आ रही है, इधर हिमाचल प्रदेश से होते कहाँ आ रही है, पंजाब में आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, अपरदन अधिक कर रहा है, ठीक है। जब तक अपरदन नहीं करेगा ये कैसे यहाँ पे डेल्टा बनाएगा, यही था ना, यहीं से क्या होता था, ब्यास नदी आकर मिल जाता था और यहाँ पे डेल्टा बनाता था। तो अपरदन होना क्या है, बहुत ज़रूरी है, मिट्टी का कटाव होना बहुत ज़रूरी है। और यही है, आपको खादर मैदान को नवीन जलोढ़क भी कहते हैं, ठीक है। अब खादर मैदान क्या है, नीचे मैंने डाला हुआ है, खादर मैदान देखिए कुछ नहीं, जो नए जो जलोढ़ मिट्टी बनते हैं ना, नवीन जलोढ़क मिट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खादर मैदान कहते हैं। अब जो भी नदियाँ यहाँ से क्या कर रही है, आ रही है, जो मिट्टियों को काट काट के एक जगह से इकट्ठा कर रही है, तो यहाँ जो मिट्टी का निर्माण क्या हो रहा है, नया हो रहा है ना, यहाँ पे नए रूप में हो रहा है, नए अवसादों के निक्षेपण से जो मिट्टी की संरचना बन रही है, वही हमारा क्या कहलाता है, खादर मैदान कहलाता है। और बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र इसको बोला जाता है, इसका एक और नाम है नवीन जलोढ़क के रूप में क्या करते हैं हम इसे जानते हैं। तो यही था
सिंधु मैदान के क्षेत्र का जो हिस्सा था, ठीक है। अब नदियों के बारे में आप ये मत बोलिएगा कि मैं नहीं करा रहा हूँ एक एक चीज़ को, ठीक है। हम लोग देखेंगे नदियों कहाँ से निकल रही है, कैसे कैसे जा रही है, ठीक है। जब नदियों का जब अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ेंगे, कल से शुरू हो जाएगा वो, ज़रूर आप देखिए। तो एक एक नदियों को बिल्कुल ही माइक्रो लेवल पे जाकर हम लोग उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहीं रहने दीजिए। और ये जो अरेंज आप लोग देख लीजिए, पहला क्या है, भाबर, तराई। अब भाबर क्या है, देखिए, ऊंचे स्थानों से जब नदियाँ निकल रही है, यही क्रम है, बस आप सिंपल जानिए, ठीक है। ये क्या है, भाबर, तराई, बांगर, ऐसे कुछ क्या है क्षेत्र हैं यहाँ पे, तो मैंने मेंशन कर दिया था, अब जान ही लिए। भाबर क्या है, इसमें छोटे बड़े बड़े कंकड़ होते हैं और यह पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर पहाड़ी से आप नीचे आएंगे, वो क्षेत्र क्या होगा, तराई क्षेत्र होगा। और इन तराई क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि वर्षा की मात्रा, जंगल वगैरह तो अधिक होता ही होता है, लेकिन कृषि के लिए अनुकूल स्थिति होता है, लेकिन बहुत बीहड़ ही कृषि, इसको हम लोग बोल सकते हैं। नीचे फिर आप लोग आएंगे बांगर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे आके जो बांगर है, जो पहले से जो जलोढ़ मिट्टी है, क्या हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, ठीक है, जम गए हैं, जो यही क्या होते हैं, बांगर होते हैं। अब अगर ये जम गए हैं तो फिर ये क्या करेगा, इसको कटाई करेगा ही करेगा, ठीक है। और यही सब नीचे मिला के जाके क्या करता है, खादर बना देता है, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। खाद, जहाँ पे जैविक पदार्थों की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। होती है ना, कि जैसे आप लोग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, अगर कोई अगर खाली भूमि पड़ा हुआ है, अगर आप उसमें कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, एक बार उसको क्या करिए, आप उसको उसका क्या बोलते हैं, जोत के, ठीक है, उसमें आप कोई फसल उपजा के देखिए, पूरा क्या हो जाएगा, उसमें जैविक पदार्थों की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वो आसानी से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो यही क्रम है, भाबर, बड़े बड़े क्या है यहाँ पे, कंकड़ पत्थर है। नीचे जाएंगे तराई में, कंकड़ पत्थर, सॉरी, कंकड़ पत्थर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसकी जो आकार होगा क्या हो जाएगा, अब छोटा हो जाएगा, ठीक है। ज्यों ज्यों नीचे जाएंगे, पुराने जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, और सबसे नीचे आप जाएंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, खादर वाला प्रदेश मिल जाएगा, जो जैविक दृष्टि से कृषि कार्यों के लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यही जो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, खासकर मध्यवर्ती गंगा और निम्न गंगा में का जो मध्यवर्ती जो मैदानी क्षेत्र है, इनमें खादर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी मात्रा क्या है, अधिक है, बिहार के क्षेत्रों में, बंगाल के क्षेत्रों में। और यहाँ पे जो फसल उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। तो यही था हमारा सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु मैदान का क्षेत्र। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग राजस्थान का मैदान, जिसे नोट करना है, मैं इसे एक बार ऊपर कर देता हूँ। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ नीचे आके राजस्थान के मैदान में, तो आप लोग देखिए यहाँ पे, अब राजस्थान का मैदान है, आप बिल्कुल ये भ्रम मत पालिएगा कि राजस्थान में क्या है, सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल है। मैदान का डिफिनीशन ही क्या है, समतल भाग को मैदान कहते हैं, और समतल भाग को मैदान कहते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, थार, मरुस्थल भी आ रहा है। बालू का क्या है, मैदान है, स्पष्ट रूप है। दूसरा क्या है, राजस्थान बांगर है, और तीसरा है अरावली पर्वत है, ठीक है। तो इसका उल्टा देखिए, अरावली पर्वत क्या है, राजस्थान के जस्ट सीमा पे है। कौन सी सीमा पे, पूर्वी सीमा या पश्चिमी सीमा में, पूर्वी सीमा में, ठीक है। पूर्वी सीमा की तरफ क्या आएगा, अब राजस्थान के, ठीक है, मध्यवर्ती पूर्वी भागों से निकलते हुए जब हम लोग जाएंगे, तो देखिए अगर राजस्थान की अगर इस प्रकार की अगर संरचना है, ठीक है, इधर गल्फ ऑफ कच्छ आ जाएगा, तो यहीं पे क्या है, अरावली रेंज है। इसी अरावली रेंज से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, लूनी नदी। लूनी नदी इसे बहते बहते कहाँ चले जाती है, गुजरात के कच्छ में जाके अंतःस्थलीय क्या करती है, मार्ग बनाती है। लेकिन इसके मार्ग बनाने से पहले इस ये जो लूनी नदी है, दो क्षेत्रों से होकर गुजरती है। एक राजस्थान का जो बांगर क्षेत्र है, जहाँ पे वर्षा देखिए यहाँ पे कितनी छोटी मात्रा है, 25 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा होती है, बहुत ही, जो कि क्या होता है, कम होता है। और यही है, बांगर क्षेत्र से होके गुजरेगा और लास्ट में फिर कहाँ आ जाएगा, थार मरुस्थल में, ठीक है। तो ये बांगर वाला क्षेत्र, फिर क्या आ जाएगा, थार मरुस्थल, फिर अंत में जाके कच्छ की
खाड़ी में आके अंतःस्थलीय मार्ग का क्या कर लेगा, निर्माण करेगा, यहीं पे आएगा। जब गुजरात की कच्छ की खाड़ी में जब लुप्त हो जाता है तो नमक के लिए क्या है, सबसे अनुकूल दशाएं होती हैं, ठीक है। तो लूनी नदी के पानी से हम लोग कह सकते हैं कि नमक भी क्या होता है वहाँ पे, नमक का भी अच्छी खासी खेती हो जाती है। तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब थार मरुस्थल क्या है? थार मरुस्थल कुछ नहीं है, ठीक है। रेतीला क्या है? भाग है। और इस रेतीला जो भाग है कहाँ फैला हुआ है, आप देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के क्षेत्रों तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। और मरुस्थल क्यों है ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्षा क्या होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्षा कम क्यों होती है, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कराया हुआ था, जिसे आप लोग यहाँ पे देख लेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी को तो बीच में क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है। और अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि 30 डिग्री अक्षांश है। और राजस्थान को जो क्षेत्र है इसी 30 डिग्री अक्षांश में क्या होता है, पड़ता है यहाँ पे। और 30 डिग्री में यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहीं पे क्या क्या बन बन रहा है, हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर की जहाँ स्थिति बनी रहेगी वहाँ पे बारिश की संभावना क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है। और हाई प्रेशर बनने का जो कारण है, जो आप इस साइड आएंगे दुबई वाले क्षेत्रों में आएंगे, ठीक है ना, दुबई अरब वाले जो क्षेत्रों में आएंगे उसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर की स्थिति बनी रहती है। क्योंकि अब यहाँ से हवाएं कैसे चल रही है आप लोग देख सकते हैं, हवाओं का यहाँ माध्यम क्या होगा। तो इस साइड आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहीं पे क्या आपको मिल जाएगा, जो अरब का जो क्षेत्र है, और अरब के क्षेत्र की वजह से यहाँ पे एक तरीके से देखिए आप, ठीक है, यहीं से इस तरह की हवाएं क्या चलेगी, यहीं चलेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और यहाँ क्या चलेगा, हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर इस साइड जाएगा। और यहीं हवाएं कह रहा है कि इधर आके देखिए चल रहा है, कहाँ आ रहा है, पश्चिम से पूरब चल रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है, 30 डिग्री पे यहाँ पे, ठीक है, जिसे पछुआ पवन भी बोलते हैं। और ये क्या होगा, हमारा व्यापारिक पवन होगा, व्यापारिक, और ये पछुआ पवन होगा। तो पूरी तरीके से देखिए ये जो राजस्थान का क्षेत्र है कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में अधिक मात्रा में आता ही आता है। और खुद एक कैसा स्थान है, गर्म स्थान है, रेतीला स्थान है, तो उसका प्रभाव अधिक रहता है, जिसके वजह से यहाँ हाई प्रेशर की स्थिति बनी रहती है और वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बना रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राजस्थान बंगर वाला क्षेत्र है। अब राजस्थान बंगर वाले क्षेत्र में कहा जा रहा है कि कुछ अब थार मरुस्थल से धीरे धीरे अब कहाँ आइए, राजस्थान के थार मरुस्थल पश्चिम में हो गया, अब धीरे से थोड़ा पूरा उत्तर की तरफ आइए, आपको मिल जाएगा राजस्थान बंगर का जो क्षेत्र हो जाएगा। कृषि कार्यों के लिए ये बेहतर है, ठीक है, कृषि कार्यों के लिए। और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। इन्हीं क्षेत्रों में आपको एक इंदिरा गांधी डैम नज़र आएगा, जो आपके पंजाब वाले भाग की नदियों से क्या किया गया है, लिया गया है, सिंधु नदी, पंजाब नदी जहाँ का क्षेत्र है वहीं से क्या किया गया है, लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग उसी को देखने वाले हैं। तो ये कैसी भूमि है, उर्वर भूमि है। और उर्वर भूमि को एक लोकल नाम है राजस्थान में, इसको क्या बोलते हैं, रोही, क्या बोलते हैं, रोही, इसे आप ज़रूर नोट कीजिएगा। उसके बाद से लास्ट है यहाँ पे अरावली पर्वत। अब इसके बारे में तो मैं इस वीक मैंने सिर्फ अधिकतर यही कराया हुआ है, अरावली अरावली बोलते बोलते। देखिए अब इसी पर्वत से क्या निकल रहा था, लूनी नदी निकल रहा था। और लूनी नदी जैसे मैंने अभी बताया, राजस्थान बांगर होते कहाँ चली जाती है, थार मरुस्थल, अरावली रेंज है, पहले कहाँ जाएगा, बांगर, थार, फिर कहाँ चलेगा, कच्छ की खाड़ी में आके अंतःस्थलीय मार्ग बना लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो अंतःस्थलीय मार्ग बनाता है वैसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्लाया, क्या बोलते हैं, प्लाया, ध्यान रखिएगा आप लोग, प्लाया, ठीक है। प्लाया होता क्या है बेसिकली, जैसे अगर कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, अगर यहाँ से नदियाँ आ रही है, नदियाँ आ रही है, नदियाँ आ रही है, तो यहाँ पे आके क्या करती है, सूख जाती है, ये कुछ इस टाइप की संरचना बना लेती है सूखी हुई। और इसमें नमी की मात्रा होती है और नमक के लिए सबसे उपयुक्त कंडीशन होता है, एक प्रकार का झील आप लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, पानी यहाँ कुछ इकट्ठा हो जाती है। अगर पानी की मात्रा बहुत अधिक नहीं रहेगी
तो सारा ये जो बलुई क्षेत्र है क्या करेगी, इसको सोख लेगी। तो यही क्या है हमारा प्लाया, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप नोट करें तो नोट कर सकते हैं। और अगर हम लोग राजस्थान मरुस्थल की बात नहीं करें और थार मरुस्थल की बात नहीं करें तो थार मरुस्थल फिर बुरा मान जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान देना है हम लोगों को, बेहद ही क्या है इम्पोर्टेंट है थार मरुस्थल। ठीक है, यहीं पे क्या किया गया था आपको याद होगा, अभी एक मूवी भी आया था परमाणु, तो उसका जो परीक्षण किया गया था इन्हीं क्षेत्रों में किया गया था, इसी के कुछ भागों में किया गया था। तो कहा जा रहा है कि थार मरुस्थल ऐसा नहीं है कि बालू बालू है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस है, जैसे आप देख सकते हैं खनिज तेल। अब वहीं ये भारत की जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं कर पा रही है कि हम लोग उस स्तर तक जाके खनिज तेल को निकाल सकें। जिप्सम, ठीक है, नमक, राजस्थान को जो रेवाड़ी वाला क्षेत्र है, तांबा, तांबा के लिए भी क्या है काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इन तीनों की दृष्टि से कहा जा रहा है कि ये भंडार की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमक अधिक मात्रा में मिल रहा है, खारे पान की स्थिति क्या है इधर अधिक है अरेबियन सागर की वजह से। उसके बाद से जिप्सम कहा जा रहा है, जिप्सम की भी मात्रा क्या है अधिक है, खनिज तेल ये भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, दिक्कत है, अब थार मरुस्थल का क्षेत्र है तो वहाँ वाटर लेवल क्या है ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ है, और जब यहाँ पे जल स्तर बहुत जब गिर गया है तो कहा जा रहा है कि आर्थिक दृष्टि से जल संकट की वजह से क्या है यार, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। और आर्थिक दृष्टि से अगर यह पिछड़ा क्षेत्र है तो कुछ न कुछ सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, और किया क्या गया है देख लीजिए, जल संसाधन प्रबंधन किया गया है। जल संसाधन प्रबंधन अगर नहीं किया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर लातूर वाली स्थिति आ जाएगी। पिछले साल लातूर में जो हुआ था जग जाहिर है कि किस तरीके से वहाँ मतलब ट्रेनों से क्या किया जा रहा था, पानी भेजा जा रहा था ट्रेनों में, जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं पेट्रोल वाले, उसी प्रकार की आकृतियों में भर भर के क्या किया जा रहा था, पानी भेजा जा रहा था। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्या करिए, आप जल संसाधन प्रबंधन का भी कोई ना कोई उपाय आप लोग करते रहिए, एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जल संसाधन प्रबंधन के जरिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इंदिरा गांधी नहर, जैसा कि मैंने तभी चर्चा किया हुआ था, इसी का क्या किया जा रहा है, इंदिरा गांधी नहर को इन क्षेत्रों में क्या किया गया है सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए क्या किया गया है लाया गया है। अगर राजस्थान का क्षेत्र देखिए, अगर इस तरह का अगर राजस्थान का क्षेत्र है तो जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, आगे कि नहीं आएगा। राजस्थान के ऊपर जो पंजाब वाला क्षेत्र है, यहीं से क्या होती है कुछ चार पाँच नदियाँ निकल के कहाँ जाके मिल जाती है, सिंधु नदी पे जाके मिल जाती है। और यहीं पे एक देखिए, यहाँ पे सतलज और ब्यास नदियों में क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, सतलज और ब्यास बीस्ट, ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे। तो यहीं से क्या किया गया है, जो सतलज और ब्यास नदियों का जहाँ पे क्या हो रहा है, संगम हो रहा है, उसके संगम को क्या बोल रहे थे बताइए आप लोग। तो कौन सा दुआब था, वो बीस्ट दुआब था, जहाँ पे क्या कर रही है ये मिल रहा था। इस प्रकार की आपको संरचना देखने के लिए मिल जाएगी, ये सतलज नदी है और यहाँ पे क्या है ब्यास नदी है, और यहीं पे जहाँ पे मिल रहा है यहीं से क्या किया गया है, एक नहर निकाला गया है राजस्थान के क्षेत्रों के लिए, जिस नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। पहले इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर भी इसको हम लोग बोलते हैं। वही चीज़ें पॉलिटिकल स्तर पे नामें चेंज होती ही रहती हैं उनके कार्यों की वजह से। तो इंदिरा गांधी नहर यहाँ पे निकाला गया है, सतलज और ब्यास नदियों के संगम पे, यहीं पे जहाँ पे संगम हो रहा था यहीं पे क्या किया गया, एक डैम बनाया गया है जिस डैम का नाम इम्पोर्टेंट है, हरि के डैम, हरि के बांध होता है ना नदियों में, जो डैम होता है अगर हम लोग डैम लगा देंगे बांध लगा देंगे तो नदियों का जलस्तर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। जब नदियों का जलस्तर उठ जाएगा तो उसके जल को हम लोग उच्च प्रदेशों में भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, चाहे आप उच्च प्रदेशों में भेजिए चाहे मरुस्थलीय क्षेत्रों में भेजिए, वो आसानी से क्या हो जाएगा, एक उसको जब ढाल मिल जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो उसके बाद से जो मैंने हाई प्रेशर लो प्रेशर की बात की थी, आप लोग इसे भी देख लीजिए,
कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के उच्च वायुदाब का जो प्रभाव कहाँ पे पड़ता है, थार मरुस्थल तक क्या होता है, विस्तार होता है। और सऊदी अरब तो कहना यहाँ पे थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है। अगर पूरा आप देखेंगे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल का जो रेंज है, सहारा मरुस्थल देखिए आप लोग, अगर ये 30 डिग्री अक्षांश में देखेंगे तो पूरा यहीं से सहारा मरुस्थल, ठीक है, सऊदी अरेबिया, राजस्थान का जो क्षेत्र है सब 30 डिग्री पे लगा हुआ है, जहाँ पे हाई प्रेशर की स्थिति बन रही है। और इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि थार मरुस्थल में अप्रत्यक्ष तरीके से यहाँ पे जो हाई प्रेशर की जो स्थिति बन रही है सऊदी अरेबिया की वजह से क्या हो रहा है, कारण हो रहा है। जो वर्षा के लिए क्या करेगा, प्रतिकूल पैदा करेगा। वर्षा के लिए अगर चाहिए आपको तो क्या चाहिए, लो प्रेशर से हाई प्रेशर चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, अवरोहण हो जाएगा। ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को, नहीं ध्यान है तो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जाके देखिए, सब समझ में आएगा। मैंने एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्या कर रहा है, वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति यह उत्पन्न कर रहा है। और जो वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वायु का आरोहण होगा। और वायु के आरोहण होने से यहाँ पे एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवाती कंडीशन क्या होता है, उत्पन्न होता है। जो नॉर्मल जो चक्रवात बनते हैं कैसे बनते हैं, लो प्रेशर टू, ठीक है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, यही है ना। लो प्रेशर से इसे घूमते जाएगा, इसे इसे बढ़ते जाएगा। लेकिन जो प्रति चक्रवाती दशा है ये जस्ट क्या बनता है, उल्टा बनता है। अब उल्टा कैसे बनेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ हाई है और यहाँ क्या है, लो है। अब ये कैसे बनेगा, इसे आएगा, ठीक है, इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में ज़रूर रखें। तो यही सारी चीज़ें हैं, नोट करना, आप नोट कर सकते हैं। एक चीज़ आप और देख लीजिए, जो तभी हम लोग डेल्टा को जो देख रहे थे, एक मिस्टेक हो गया है मुझसे, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो तभी जो डेल्टा के प्रकार हम लोगों ने देखा था, चार प्रकार का जो डेल्टा देखा हुआ था, मैंने सारा एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन नोट आप लोगों से नहीं करवाया था। जैसे आप लोग अगर नोट करना चाहें डेल्टा के प्रकार में, पहला था पंजाकार डेल्टा, जिसे मैंने नोट करा दिया था। दूसरा था चापाकार, तीसरा था ज्वारदनमुख, और अंतिम और लास्ट था दंताकार था, ठीक है। तो चापाकार कुछ नहीं है, उसी का भाग है कि तटीय मैदान जब नदी में प्रवेश करती है तो यह क्या होती है, कई उप शाखाओं में अवसादों का क्या हो जाता है, यहाँ पे नीचे पर हो जाता है। जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे जैसे नीचे आएगा यहाँ पे देखेंगे कई नदियों का क्या होता है, संगम हो जाता है। छोटी बड़ी नदियाँ क्या होती है, मिलते जाती है। और जब मिलने के दौरान क्या कर रहा है, हर एक नदी कटाव करता ही करता है, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, आसानी से काट ले जाएगा। तो कई उप शाखाओं में अवसादों का क्या हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। और चाप के समान चापाकार डेल्टा क्या करता है, यहाँ निर्मित हो जाता है। मैंने पीछे ही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पे बड़े आकार के अवसादों का क्या होता है, निक्षेपण होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा की जो मात्रा होती है, हम लोग आएंगे ऊपर की तरफ से, तो वहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। और यही कारण है कि बड़े आकार के अवसादों का क्या हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। और इसका जो संबंध है शुष्क, देखिए यहाँ पे, और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों से है, ठीक है। तीन क्षेत्रों पे वर्षा के लिए जो स्थिति होती है बहुत बेहतरीन नहीं होती है, ठीक है, खासकर शुष्क जलवायु प्रदेश में, ठीक है। जैसे राजस्थान का क्षेत्र है शुष्क है, और उसी का एक भाग था, नीचे आ रहे हैं देखिए, ज्वारदन मुख था, ठीक है। अब ज्वारदन मुख में यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुख्य नदी सीधे समुद्र में जाके क्या होती है, जाकर समाप्त हो जाती है, जो मैंने तभी एक्सप्लेन किया हुआ था नर्मदा और ताप्ती के संदर्भ में, ठीक है। और नदी का जो मुख है क्या है, ज्वारदन मुख है। अवसादों का निक्षेपण यहाँ पे क्या होता है, नगण्य होता है, और इसकी वजह से डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। तो समझा दिया था मैंने पहले, लेकिन जो भी दोस्त यहाँ अगर नोट कर रहे होंगे उसको तो थोड़ा सा इसे कोऑपरेट कर लें, ठीक है, लिख लें इसे।
अब नेक्स्ट जो हमारा मैदान है, गंगा का मैदान है, बेहद इम्पोर्टेंट, भारत की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो ये कोई कहना गलत नहीं होगा। गंगा का मैदान देखिए पूरा उत्तराखंड से लेके यहीं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए कहाँ आ रहा है, उत्तर प्रदेश होते, पूरा बिहार होते, फिर बंगाल होते, आपको बांग्लादेश में जाके, ठीक है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में डेल्टा बहुत अधिक मात्रा में बनाते हुए क्या होता है, गिर जाता है। तो ये जो गंगा का मैदान है यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीन भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। अब इन्हीं ऊपरी गंगा को मैदान को क्या किया गया है, कई भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपरी गंगा का मैदान दो भागों में बांटा गया है, रुहेलखंड, अवध का मैदान। मध्य गंगा का मैदान दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार। और बिहार में चूंकि गंगा का जो अधिकतर एक तरीके से जो क्षेत्र है बिहार में भी क्या है, बहुत अधिक है, ये तीन मैदानों को क्या करता है, कवर करता है, सारण का मैदान, मिथिला का मैदान, मगध का मैदान, ठीक है। तो बिल्कुल क्या है, आसान है, अभी मैं आपको करा दूंगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान का मतलब क्या है, अब गंगा ज्यों ज्यों कहाँ जा रही है, अब समुद्र से मिलने मिलने को अब क्या हो रही है, हो रही है। तो वहीं जो निचली क्षेत्र है वहीं क्या कहला रहा है हमारा, निम्न गंगा का मैदान। और इस निचली क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का क्या पड़ता है, मैदान पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। तो नीचे देखिए मैंने एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। अब यही जो क्षेत्र है देखिए, जो ऊपरी जो भाग है, ऊपरी भागों में कौन सा है, रुहेलखंड, ठीक है। जब हम लोग अपवाह तंत्र देखेंगे तो सबको एक एक चीज़ों को देखेंगे, रुहेलखंड और कौन है, अवध, ठीक है, ऊपरी भाग में है, उत्तर प्रदेश के भागों में है, एक तरीके से इसको दिल्ली है, दिल्ली से अलाहाबाद तक का एक रेंज है, ठीक है ना। इन क्षेत्रों को हम लोग क्या बोल देते हैं, रुहेलखंड और अवध का इसको मैदान भी क्या करते हैं, बोलते हैं। और एक गंगा का क्या है, ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है, इधर बारिश होती है लेकिन उतनी अधिक नहीं होती है। तो ऊपरी भाग है यहाँ पे, गंगा में पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, तो नहरों को निकालना भी क्या है यहाँ पे, आसान है, आसानी से नहीं निकल जाएगा। और यहाँ पे नहरों को जब निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि अधिक मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन एक समस्या है उत्तर प्रदेश बिहार में, और वो क्या है, जन दबाव, ठीक है। कि आप लोग देख लीजिए कि लगभग लगभग 32-33 करोड़ लोग सिर्फ बिहार और यूपी में लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कारण है, जन दबाव भी क्या है, अधिक है। और जन दबाव अधिक होगा तो यहाँ पे जो कृषि का जो संरचना है, एकदम गहन कृषि गहनता के साथ, ठीक है ना, किया जाता है। तो ऊपरी मैदान है आपका पूरा, किनारे किनारे जो भी भाग देख रहा है सब क्या है, मैदानी वाला इलाका है, ठीक है, जो बहुत ही कृषि के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब नीचे आएंगे तो क्या है, मध्यमय भाग, ठीक है। मध्य भाग में यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का, आपको अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बना लूँ तो मान लीजिए क्या है, उत्तर प्रदेश है, यही है ना। और उत्तर प्रदेश से यहाँ पे अगर हम लोग जस्ट इसी के समानांतर हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, बिहार आ जाएगा इस तरह का। तो गंगा जो यहाँ पे निकल रही है इसी प्रकार से क्या हो रहा है, बिहार को पूरा दो भागों में, बिहार यूपी को बांटते हुए, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र आ जाएगा और यहाँ पे बांग्लादेश आ जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि जो ऊपरी भाग है, जैसे उत्तराखंड से निकला यहाँ पे, ये वाला भाग दो क्षेत्रों से बसा हुआ है, रुहेलखंड और अवध का मैदान। और निचली जो भाग कहा जा रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, कौन सा भाग होगा, है पूर्वी भाग होगा। और जब बिहार में आएंगे तो बिहार के मैदानों को तीन भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला है सारण का मैदान, दूसरा है मिथिला का मैदान, और नंबर तीसरा है मगध का मैदान, ठीक है। ये हिस्ट्री की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम लोग देखेंगे, मिथिला हुआ, मगध हुआ, ठीक है, मगध तो कंप्लीट भी है, ठीक है, आप लोग जरूर जाके देखें। तो ये संरचनाएं हमें क्या होती है, देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जो जो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आके ये क्या हो जाएगा, निम्न क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र निम्न क्षेत्र हो जाएगा, और फाइनली जाकर बांग्लादेश से होते कहाँ मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगा। तो वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए मध्य भाग से, ठीक है, बिहार का जो इलाका है, और बिहार का इलाका से लेके पूरा आप लोग देखेंगे डेल्टाई क्षेत्र तक, पश्चिम बंगाल तक, तो इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा की स्थिति क्या होती है, बहुत अधिक होती है।
और बाढ़ की समस्या भी बहुत आती होगी। बाढ़ की समस्या बिहार में क्या है, बहुत भयंकर रूप लेती है। 2007-08 में मधेपुरा के तरफ हुआ था, और फिर इधर कोसी नदी, आपको पता ही होगा कोसी क्या है, नाम ही क्या है, कोसी। ठीक है, बिहार का क्या बोलते हैं उसे, शोक भी बोलते हैं। बिहार की जो शोक वाली नदी कौन सी है, कोसी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गंगा है, यहीं पे आप लोग देखेंगे बिहार में कि इधर से क्या आती है, कोसी भी नदी मिलती है। समझ में आ रहा है ना, ऊपर से वहीं जो हिमालय का जो क्षेत्र है, नेपाल वाले क्षेत्रों से होते कोसी नदी आके यहाँ मिलती है। अब यह बिल्कुल यहाँ नहीं घबराना है जिनको मैप क्लियर नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ही मेरा क्या है, अपवाह क्षेत्र है। एक एक नदियाँ कैसे मिल रही है, ये क्या है, हम लोग कल ब्रीफली इसको हम लोग देखेंगे। तो यहीं पे क्या होता है, आपको आके मिल जाता है बिहार के मैदानों से दो तीन नदियां हैं, उसको अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। तो बाढ़ की समस्या से यहाँ प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है, पड़ता है। जो भी उधर क्षेत्र है आपको देखेंगे, किशनगंज वाला क्षेत्र है, ठीक है, किशनगंज हो जाएगा, उधर कटिहार हो जाएगा, इस टाइप का जो क्षेत्र है मधेपुरा, अधिकतर वहाँ पे बाढ़ की स्थिति अधिक आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे एक एक तरीके से जनसंख्या दबाव भी क्या है, बहुत अधिक है। जनसंख्या घनत्व तो इतना अधिक है वहाँ पे, और जहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक होगा, भूमि संसाधन पर जनसंख्या का दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब जनसंख्या का दबाव बढ़ जाएगा, तो अब ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और यही कारण है कि बिहार के पूर्वी क्षेत्र बहुत अधिक क्या हुए, डेवलप नहीं हुए, बहुत अधिक विकास नहीं कर पाए हैं। एक तो वहाँ जनसंख्या अधिक है, और जनसंख्या अधिक होने के साथ साथ बाढ़ की समस्या, अधिक वर्षा हो तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, इधर से कोसी नदी आएगी, जैसे बिहार है यहाँ पे, इधर से कोसी नदी, इधर से महानंदा नदी करके आएगी। ठीक है, और बीच का जो क्षेत्र है, बहुत अधिक क्या होती है, लोगों को परेशानी होती है। समझ में आ रहा है ना, यही क्षेत्र है बिहार में जो बाढ़ आता है, बहुत ये जो क्षेत्र है आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो यही सारा था बिहार के बारे में, कुछ और चीज़ें हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं उसे भी। तो आप नोट करना चाहें तो उसे ज़रूर नोट करें। हाँ, मैंने फिर से सिस्टमेटिक सारी चीज़ों को कर दिया है, जो मैंने सारी चीज़ों को समझाया हुआ है। जो गंगा का मैदान है क्या है, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं। मैंने बताया था कि अगर ये उत्तराखंड गंगोत्री से निकल रही है, तो यमुना से लेके, ठीक है ना, इधर बहुत सारी नदियाँ क्या होती है, आके मिलती है। ठीक है, वो इसकी बहुत सारी उप नदियाँ, सब ब्रांच हैं जो पूरी क्या हुई है, एकदम मिला हुआ है, जिसकी वजह से गंगा नदी का क्या होता है, और ही बहुत विकराल रूप यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यही है गंगा नदी। निर्मित संरचना को क्या किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है, जिसको अभी मैंने मेंशन किया था, ऊपरी, मध्य, निम्न। और फिर मैंने इसको बांट दिया है, रुहेलखंड प्लस अवध का मैदान क्या है, ऊपरी गंगा का मैदान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्या है, मध्य गंगा का मैदान है, और इसमें बिहार भी इंक्लूड है, शामिल है। और पश्चिम बंगाल में क्या है, निम्न मैदान का भी क्या है, क्षेत्र है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी जस्ट मैंने चर्चा किया था कि कोसी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोलते हैं, बोलते हैं ना कोसी नदी बिहार का शोक, क्यों बोलते हैं आप लोग पता लग गया, बाढ़ की स्थिति क्या है, बहुत अधिक है। तो यही है आपका मिथिला का क्या है, मैदान है। और इधर मिथिला के मैदान के नदर इधर क्या आ जाएगा, मगध का क्षेत्र आ जाएगा, पटना वाला क्षेत्र। ठीक है, कल देखेंगे हम लोग, जिनको भी मैप क्लियर नहीं है, रिलैक्स रहें। ठीक है, जिनको क्लियर है वे इंजॉय करें। मिथिला का जो क्या है, मैदान है, और यही कह रहा है कि मिथिला का मैदान और पश्चिम बंगाल का मैदान क्या हुआ, पूरा फैला हुआ है। और यहीं से जो गंगा नदी कहाँ जा ले जा रही है, पश्चिम बंगाल में इंटर कर रही है। ठीक है, और इंटर करने से पहले यहीं पे वे पहले तो कोसी नदी आएगी इधर। कोसी नदी जो क्षेत्र है, इसको बिहार का शोक ही बोलते हैं, कब दाएँ बाएँ हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है ना, और जब यहाँ पे लेफ्ट राइट होगा, तो लोगों का जो भी यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है, बहुत अधिक है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लोग और क्या हो जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे अपने जस्ट पश्चिम बंगाल और भारत की जो
पूर्वी तट का जो बाउंड्री शेयर कर रहा है यही महानंदा नदी कर रहा है, ठीक है। यही महानंदा नदी आ रहा है और यहाँ पे लास्ट गंगा, ठीक है, गंगा नदी में आके क्या आ रहा है, आके मिल जा रहा है, ठीक है। तो नीचे मैंने मेंशन भी कर दिया है अब कि महानंदा बाएं से आकर मिलने वाली क्या है, अंतिम नदी है, जो इसकी सहायक नदी है गंगा की, अंतिम नदी कौन है, महानंदा ही है। इसके पीछे तो बहुत सारी नदियाँ मिल जाएगी ना, मध्य भाग में, ऊपरी भाग में, और बिहार और पश्चिम बंगाल की क्या करता है, यहाँ सीमा बनाता है। और नीचे फिर क्या आ जाएगा, गंगा का मैदान कहा जा रहा है कि जो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे सदा वाहनीय क्या है, नदियाँ है। सदा वाहनीय मतलब क्या कर रहा है, सदा हमेशा सदाबहार क्या होती है, बहते रहती है, अविरल रूप है इसका, एकदम विरल रहती है, ठीक है। लेकिन वही है कि गंगा की जो लोग माँ मानते हैं, अब इतना इसको क्या किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है कि इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे परियोजनाओं को क्या किया गया, चलाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप नमामि गंगे का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। काम भी चल रहा है, कितना होगा ये समय बताएगा। और इसमें क्या किया जा रहा है, जलोढ़क मिट्टी जो भी है, सदा वहानीय नदियाँ, इसमें जलोढ़क मिट्टी, ठीक है, और क्या है, मैदानी वाला भाग है जो क्या करता है, जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए क्या होता है, सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। कृषि कार्यों के लिए, धान जैसे फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी की मतलब पूछना ही नहीं, यहाँ पे सारे पोषक तत्व तो क्या होते हैं इसमें, विद्यमान होते हैं। तो यही है जलोढ़ मिट्टी, और जो मैदानी वाला जो क्या है क्षेत्र है, क्या करता है, कृषि अनुकूल के लिए आवश्यक दशाएँ क्या करता है, उत्पन्न करता है। लेकिन वही चीज़ है, जनसंख्या दबाव अधिक है, और जनसंख्या दबाव अधिक होने से यहाँ पे क्या है, संसाधन पे संकट है। जो भी संसाधन है इसका क्या हो रहा है, पूर्णतः दोहन हो रहा है, ठीक है। अब मैदान ही है यहाँ पे, नदी ही बह रहा है, अब जनसंख्या अधिक है, सबको है कि हमको क्या करना है, प्रोडक्शन अधिक करना है, उत्पादन अधिक बढ़ाना है कृषि वस्तुओं का, तो ये लोग क्या करेंगे, केमिकल वस्तुओं का छिड़काव, ठीक है। तो एक तरीके से संसाधन संकट की स्थिति भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। संसाधन क्या है हमारे, यही है ना, मिट्टी क्या एक संसाधन नहीं है, मिट्टी भी एक संसाधन का रूप है, ये तो सबसे बड़ा संसाधन है, ठीक है। हड़प्पा काल से अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर मिट्टी अगर संसाधन नहीं होता तो अभी जो हमारा इतना सिविलाइजेशन जो हुआ है इतनी बृहद रूप में नहीं होता, समझ में आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको कि कहीं ना कहीं मिट्टी का डायरेक्टली रूप है, इनडायरेक्टली कोई रूप नहीं है, हर चीज़ में है। तो मिट्टी की जो उपजाऊपन को क्या करना है, बनाए रखना है। लेकिन वही मनुष्य स्वार्थी कार्यों से युक्त है, और स्वार्थी कार्यों से युक्त होने के कारण अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी केमिकल चीज़ों का, कीटनाशक दवाओं का अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहा है, जिससे फसलों को तो नुकसान पहुँच ही रहा है, कृषि वस्तुओं को भी नुकसान पहुँच रहा है। और कृषि वस्तुओं को नुकसान पहुँचने से अभी हाल ही फिलहाल में जो पेपर में आ रहा था कि बासमती जो चावल है, जो भारत की जो उच्च क्वालिटी जीआई टैग का जो क्या है चावल है, क्या हो रहा है भारत में, उसकी एक तो प्रोडक्शन जो उसकी उत्पादन है कम हो जा रही है, कीट उट उसमें बहुत लग रहा है, और उत्पादन हो जा रहा है तो विदेशों में जो चावल है, ठीक है, क्योंकि बहुत महंगी चावल है वो, ठीक है, विदेशों में हमें क्या मिल जाएगा, उसका अच्छा पैसे मिल जाएगा। तो इसके लिए भारत क्या करता है, जो निर्यात कर रहा है, विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, इसे प्रतिबंधित कर रहे हैं कि आप लोग क्या डाल के ला रहे हैं इसमें, बहुत ज़्यादा केमिकल चीज़ों को डाल के ला रहे हैं और हम इसे खरीदेंगे नहीं, ठीक है। जो कृषि कार्य करने के लिए जो मापदंड है कि आपको कृषि कहाँ करना है, किन किन वस्तुओं का यूज करना है, आप सब निर्धारित करके लाइए, तब जाके हम आपके बासमती चावल को क्या करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। तो बैन भी लगा रहे हैं, WTO में मुद्दा छिड़ा रहता है, ठीक है। तो यही था गंगा का मैदान हमारा, अब नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसे भी देख लेते हैं। तो इसे नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों, लेक्चर लंबा हो जा रहा है, तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्जॉय कीजिए इसको, ठीक है ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल रही है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग देखेंगे ही देखेंगे इसे।
अंतिम और लास्ट है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता ही है कि यहाँ कैलाश पर्वत से क्या हो रहा है, ये भी निकल रहा है। इसके पहले इधर का नाम क्या है, सांगपो बोलते हैं इसको, सांगपो। और यही ये चीज़ है सिंटेक्सियल बैन। ठीक है, सिंटेक्सियल बैन, कल मैंने एक यहाँ दर्रा बताया था कि यहीं दर्रा से होके, सॉरी, यहाँ पे जो भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, इस दर्रे का आप लोग नाम नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा क्या था। ठीक है, यहीं पास से होके क्या करता था, भारत में एंट्री करता है। और भारत में एंट्री करता है, देखिए यहीं एक ऐसी नदी है कि यहाँ पे एक माजुली द्वीप भी है। इस नदी का आकार इतना अधिक बढ़ गया है, तो आप खुद सोचिए उस नदी के अंदर क्या है, माजुली द्वीप है। और उस द्वीप में क्या बसा हुआ है, पूरी गांव बसा हुआ है। ठीक है ना, गांव के लोग नाव से क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। द्वीप का मतलब वो वही है ना जो चारों तरफ किस पानी से क्या हुआ हो, घिरा हुआ हो। तो कहीं ना कहीं जो द्वीप है वो क्या है, अवसाद है। जो भी इधर हिमालय पर्वत से लाया गया अवसाद एक जगह क्या किया है, यहाँ पे जमा कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक द्वीप बन गया है, आइसलैंड बन गया है माजुली द्वीप। और इसका जो क्षेत्र है, यहीं पे तो क्या था, गारो खासी जयंतिया था, और नीचे क्या था, मेघालय शिलोंग का पठार था। ठीक है, जो क्या कर रहा है इसको, इसके अपवाह क्षेत्र को नीचे आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। और आसानी से क्या कर रहा है, बांग्लादेश में एंट्री करके यहाँ पे गिर जा रहा है। तो पूरा इसका भी क्या है, विशाल मैदान है। और यहाँ पे भी क्या होती है, कुछ नदियाँ आके क्या होती है, इसे आके मिलती है। ठीक है, देखेंगे हम लोग इन नदियों को भी कौन कौन सी है। तो आप लोग अभी बस यही जानिए कि पूरा जो ये क्षेत्र है क्या है, मैदानी वाला क्षेत्र है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए, उत्तर भारत पूर्वी के लिए, कृषि के लिए बहुत क्या है, अनुकूल दशाएं उत्पन्न करता है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आपको, ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्या है, असम का मैदान है। पूरा असम का मैदान जो आप लोग देख रहे हैं कि जो भारत, जो उत्तर पूर्वी भारत के सारे राज्य को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, खुद उत्तर पूर्वी का ही राज्य है। ठीक है, असम की स्थिति है ऐसा, इस प्रकार की जो आपको दिख, सॉरी, सारे राज्यों से क्या होता है, कनेक्ट होता है सारे राज्यों से। मतलब उत्तर सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर के सारे राज्यों से क्या होता है, कनेक्ट होता है। और यही असम का मैदान क्या है, एकमात्र मैदानी प्रदेश। फिर आप लोग अगर नीचे आ जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, नीचे मिजोरम, ठीक है, उसके बाद इधर त्रिपुरा, फिर ये क्या आ जाएगा, मेघालय का क्षेत्र आ जाएगा। तो क्या कर रहा है, ऊपर क्या आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। तो सारे राज्यों से कनेक्ट होता है। और यही जो असम का जो मैदान है क्या है, एक तरीके से कृषि के लिए उपयोग की स्थिति है, वरना इधर पहाड़ी संरचना, ठीक है, बीहड़ भूमि के रूप में इसे हम जान सकते हैं। और कहा जा रहा है कि अपवाह मार्ग में, अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये जो आ रहा है, इसके अपवाह मार्ग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो बहाव काफ़ी तीव्र है। मुड़ने के बाद जैसे भारत में एंट्री करती है क्या हो जाएगी, तेज़ी से हो जाएगा, जहाँ मुड़ेगा वहाँ क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। होता है ना ऐसा, देखो तुम लोग अभी साइकिल चलाओ, बाइक चलाओ, जहाँ मोड़ हो क्या करोगे तुम लोग, आप लोग स्लो कर देंगे। जैसे ही रोड फ्री मिलेगा फिर पता नहीं लगेगा स्पीड कितना जाएगा। तो कुछ नदियों के साथ भी यही बात है, यहाँ से फ्लो में आ रहा है। और यहीं सिंटेक्सियल बैंड में जो पासेज है, यहाँ से मुड़ने के बाद, ठीक है, मुड़ने के पहले जस्ट क्या हो जाती है, यहाँ पे स्लो हो जाती है। जैसे यहाँ पानी अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे सब क्या होगा, तेज़ी से बहाव होगा। और ऐसे स्थिति में आपको पता ही है कि जो भी ये गारो खासी जयंतिया, ठीक है, खासी में जो क्षेत्र था, चेरापूंजी वाला मासिनराम, जहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, भारत के साथ विश्व की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अपवाह क्षेत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र के आसपास कहीं क्षेत्र है वो। तो बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी, जो एक तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट का शोक बोला जाता है इसे, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत राज्य का शोक नदी, ये भी बहुत इसका चेंज होता रहता है मार्ग। ठीक है ना, जब नदियों का मार्ग चेंज होता होता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी परले लाती है। ठीक है, तो यही है, एकमात्र क्या है, मैदानी प्रदेश है, यहाँ पे होता ही होता है। अपवाह मार्ग में परिवर्तन की वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्थिक पिछड़ापन है। जहाँ बाढ़ होगा, भारत जैसे देशों में, कोई हम लोग जापान थोड़े हैं कि 2 दिन में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा चीज़ें। संसाधन की कमी है, जनसंख्या अधिक है, ठीक है,
इन सब की वजह से यहाँ पे एक तरीके से आर्थिक पिछड़ापन क्या है हमारे यहाँ अधिक है, और खासकर जिस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है वैसे क्षेत्र अगर बाढ़ से प्रभावित हो तो वहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन और क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। लेकिन संसाधन की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे यहीं पे असम में दिग्बोई नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, जहाँ पे खनिज तेल भंडार की क्या है उपस्थिति है, खनिज तेल भंडार, ठीक है, असम के दिग्बोई में। जब हम लोग भारत के खनिज क्षेत्रों को देखेंगे तो एक एक सारी चीज़ों को सबका क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। और इसी में है अंतःस्थलीय जल मार्ग। अंतःस्थलीय जल मार्ग का मतलब क्या है, अंतःस्थलीय जल मार्ग का मतलब है कि किसके द्वारा व्यापार, किसके द्वारा, जो समुद्र है ठीक है ना, जो नदियां हैं, जैसे भारत की जितनी भी क्या हैं बड़ी बड़ी नदियां हैं उन पे क्या होता है बड़े बड़े जहाज चलते हैं माल ढुआई के लिए, बहुत क्या होगा आसान होगा। तो यहाँ भी क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की आप अवस्थिति अगर देखेंगे तो मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि क्या है ढबरी है और दूसरा क्या है सदिया है, यहीं पे ढोला सदिया क्या हुआ अभी पुल भी बना हुआ है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा पुल अभी क्या हो गया है ढोला सदिया, अब भूल जाइए गंगा सेतु, ठीक है, तो यहीं पे है ढोला सदिया, लंबाई 7 किलोमीटर के आसपास है। और ढबरी इन दोनों को क्या कर रहा है, क्योंकि बीच में क्या है पूरा ब्रह्मपुत्र नदी है और यहीं से क्या किया जाता है जो भी है जहाज चलाया जाता है माल ढुआई के लिए, और कहाँ चला जाएगा सदिया चलेगा, फिर सदिया से कहाँ आ जाएगा ढबरी आ जाएगा। तो इसी तरह भारत में क्या है कुछ NH समझते हैं ना आप लोग, NH जो है नेशनल हाईवे जो रोड है उसी तरह से क्या है इसका भी नामकरण किया गया है, नेशनल हाईवे रोड की तरह जो नामकरण किया गया है, ठीक है। अंतःस्थलीय जल मार्ग नंबर क्या है इसका, 2, 8 या 9 है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और शायद मेरे ख्याल से 8 है अंतःस्थलीय मार्ग जो भारत में बना हुआ है, कितना बना हुआ है 8 या 9, ठीक है, जो अलग अलग नदियों में क्या होता है चलता है, ठीक है। तो इसे अगर आप नोट करना चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर यही है आज का हमारा लेक्चर जो टोटल था, और आप लोगों से प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों तक ये लेक्चर नहीं पहुंच रहा है तो उन लोगों तक आप, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं मुझे करना चाहिए पहुंचाना चाहिए तो आप ज़रूर उन्हें पहुंचाएं। और इस लेक्चर संबंधित जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी करें, ठीक है, उससे मुझे पता चलेगा और मुझे क्या इम्प्रूव लाना है और जो भी कमियां इस लेक्चर के अंतर्गत, ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर करें, तब जाके मुझे पता लगेगा कि हाँ मुझे कैसे कराना चाहिए, लिखवाना चाहिए बोल बोल के नहीं लिखवाना चाहिए, कुछ इस तरह की बात है। जो भी आपको सजेस्ट करना है नीचे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करें, और अधिक से अधिक तक पहुंचाने की कोशिश करें जिससे कि दूसरे जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी इस लेक्चर का लाभ मिल सकें, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है कि कोचिंग वगैरह के चक्कर में, ठीक है, कोचिंग ठीक है करना ज़रूरी है, लेकिन अगर ये आपको घर बैठे अगर मिल रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोचिंग की ज़रूरत है। आप इसे देखिए, ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बिल्कुल विस्तृत वे में कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद।